सो किसी भी चीज की अगर शुरुआत हो रही हो या उसका अंत हो रहा हो, हमेशा आपको पॉजिटिव थिंकिंग के साथ ही वो चीज करनी चाहिए। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। एंड यस, जैसे कि आपने टाइटल में देखा, यहाँ पे ये जो आप बैकग्राउंड देख रहे हैं, यस, वो ये वीडियो में लास्ट आपको देखने को मिलेगा एंड बाद में नहीं मिलेगा। सो यस, थोड़ा दुख हो रहा है, बट हम लोग इस व्लॉग की एनर्जी हाई रखेंगे। एंड यस, सुबह का टाइम है, सो लास्ट टाइम यहाँ पे हमारे जो मेरा डेस्क है उधर बैठ के मैं लास्ट टाइम ये मेरा चाय का एक चुस्की लेता हूँ। एंड इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह से आप लोग सोचेंगे अचानक से मैं क्यों ये लास्ट वीडियो ईयर ऐसा करके वीडियो बना रहा हूँ, तो वो सब जो भी बात है वो बाद में करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करूँ वो मैं बहुत सोचा एंड उसके बाद मुझे आइडिया है कि जहाँ पे लास्ट वीडियो बनाया था वहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे ज्यादा वीडियो यहीं पे बने हैं। सो यस, ये रहा मेरा वर्क स्पेस कम कॉफी टेबल कम वीडियो कॉल लेक्चर, सब यहीं पे होता है। एंटरटेनमेंट भी मैं इसमें देखता हूँ। सो यस, ये पूरा जो मेरा पीसी का सेटअप है, यहाँ पे एक दो बुक पड़ा रहता है एंड यस, यहीं पे चाय भी पीता हूँ एंड यहाँ से थोड़ा व्यू भी मिलता है एंड लाइटिंग भी आता है। सो थोड़ा अपने को जो वीडियो के टाइम पे लाइटिंग चाहिए उसका जरूरत ही नहीं रहता, कोई लाइट चालू नहीं अभी देख सकते एंड फिर भी परफेक्ट लाइटिंग आ रहा है। ये बैकग्राउंड भी आपने काफ़ी सारे वीडियोज में देखा रहेगा मेरा। एंड ये बेड की भी स्टोरी काफ़ी ज़्यादा ही टचिंग है मेरे लिए, क्योंकि फर्स्ट एवर जो मैंने यूट्यूब वीडियो बनाया था जो मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं iPhone 6s Plus का, 8 मई को मैंने लिया था 2016 में, यस मुझे वो भी याद है। सो तभी जो आईफोन लिया था, फर्स्ट एवर आईफोन था मेरा नया, तो वो यहीं पे इसी बेड पे अनबॉक्सिंग किया था। मेरी बहन ने मोबाइल पकड़ा था एंड यस मैंने अनबॉक्स करके बताया था। सो ये है, मतलब अभी एक ही रूम था तो यस, यहाँ पे ही वर्क स्टेशन एंड ऑल सब यहीं पे अरेंज किया है, पूरा कबर्ड्स है, यहीं पे बेड है एंड ऑल। सो काफ़ी सारे वीडियोस यहीं पे शूट हुए एंड ऑल्सो लॉकडाउन में तो भाई कितने ही वीडियो शूट हुए यही बैकग्राउंड में, यही एग्जैक्टली यहीं बैठ के ऐसे कितने सारे शूट किए, क्योंकि यहीं यहाँ पे कोई ना कोई रहता था हमेशा, तो मुझे हर बार आपको ये बैकग्राउंड ही बताना पड़ रहा था। सो इसके लिए हर बार आपको ये दरवाजा देखना पड़ रहा था। एंड अभी मैं जाता हूँ दूसरे वर्क स्पेस में, मतलब तो यहाँ पे बेड पे तो एक ही हुआ था शूट, उसके बाद काफी सारे वीडियोस अलग डेस्क पे थे। चलिए अभी आपको मैं बाहर लेके चलता हूँ। ओके, एंड अभी रास्ते में जा ही रहे तो ये रहा किचन। ओके, एंड ये अभी हम आ गए हमारे हॉल में या लिविंग स्पेस में, जो बोलना आप बोल सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि मेरे पीछे क्या है। यस, स्टार्ट के काफी सारे वीडियोज, ऑलमोस्ट 50 वीडियोज यहीं पे शूट हुए। यस, यहाँ पे मैं कैसे इसके अंदर कबर्ड के अंदर ऐसे सेल्फी स्टिक अटकाता था एंड यहाँ पे ऐसे एंगल पे शूट होता था सारे वीडियोज। सो आपको ये जो बैकग्राउंड है वो आपको याद रहेगा। जब भी मेरे पास बड़ा स्टैंड नहीं था तो मैं यहाँ पे ये जो टेबल है यहाँ पे इसके ऊपर ये जो छोटा ट्राइपॉड है वो रखता था एंड बाद में ये एंगल से मैं शूट करता था। सो यस, काफ़ी सारा मतलब जुगाड़ करना पड़ रहा था अभी। ऑल्सो यहाँ की बात कर ही रहा हूँ सो ये भी बता देता हूँ कि 10th के टाइम से, मतलब उसके थोड़ा पहले से ये ही मेरा यहाँ पे पढ़ाई होता था एंड 10th का जो टाइम टेबल था वो भी अभी तक लगा हुआ है, जो हमको जब भी हम कोई बुक लेते थे तभी मिलता था जो कार्डबोर्ड का था, तो इसके ऊपर लगाया था। तो मार्च 2014 में मैंने दिया था, आप देख सकते हैं। एंड यही टाइम टेबल अभी तक यहाँ पे लगा है कि आपको याद दिलाता रहे कि यस एग्जाम है उस वक्त। ऑल्सो लॉकडाउन के समय भी यहाँ पे मैंने 2 से 3 कॉमेडी स्केचेस भी बनाए थे, तो काफ़ी सारी मेमोरीज है स्पेसिफिकली सिर्फ ये लिविंग स्पेस में या हॉल में। एंड यस, यहाँ से आएंगे हम बालकनी की तरफ एंड बालकनी में मतलब ऐसे कुछ ज़्यादा यादें नहीं है, बट यस जो भी है काफ़ी स्वीट मेमोरीज है यहाँ पे। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ से, जब भी मतलब बाहर जाता था सो मॉम यहाँ से बाय करती थी, बाय करके यहाँ से नीचे, क्योंकि यहाँ से नीचे दिखता था
तो ये फर्स्ट लॉकडाउन के बाद जो कर्फ्यू लगा था उसके बाद फर्स्ट टाइम यहीं पे ताली बजाया था, सब प्लेट एंड ऑल भी यहीं पे, मतलब वो सब हुआ था, दंग दंग सब यहीं पे हुआ था। सो जैसे वो बहुत ही ज़्यादा स्वीट मेमोरीज है यहाँ पे। एंड सो यस, ये वीडियो यहाँ पे मतलब लास्ट वीडियो ईयर ऐसा टाइटल क्यों है वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। थोड़ा चीजें तो बाकी रखी अगले वीडियो के लिए। बाय बाय, टेक केयर एंड यस पीस आउट। एंड यस, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी दबा दीजिए तो आपको जो अगले वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। बाय बाय, टेक केयर।